जैन, मैं हूं कर्ण दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल दानवीर सिंह। आपकी जानकारी के लिए, इनफैक्ट बहुत लोगों को तो मालूम भी होगा, लेकिन मैं उस चीज़ को दोबारा आपको बता दूं कि कल यानी 13 मार्च को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी ने करी। और उसमें कुछ ऐसी बातें हुई और उसके बाद आज एक खबर आई अमेरिका के हवाले से, तो जिसकी वजह से मैं ये कहता हूँ कि भारत में अब खतरे की घंटी बज जानी चाहिए। खतरे की घंटी शायद बज भी रही है, और वो क्यों बज रही है और क्यों बजनी चाहिए उसके बारे में मैं बात करता हूँ। और शुरुआत में हवाला देता हूँ मैं ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग के बारे में। जैसा मैंने बोला कि कल यानी कि 13 मार्च को CCS की बैठक हुई, प्रधानमंत्री ने इसकी अध्यक्षता करी। और इस मीटिंग के अंदर सबसे पहले तो प्रधानमंत्री ने ये कहा कि जो पार्थिव शरीर है, जो मॉर्टल रिमेन्स हैं नवीन शंकरप्पा के, जो आपको याद होगा कि खार्किव में खाना लेने के लिए गया था, लाइन में लगा हुआ था कि रूसी मिसाइल का हमला हुआ और उसमें म्युनिसिपल बिल्डिंग तबाह हो गई और वो जो फ्रीडम स्क्वायर था वहां पर बहुत बड़ा धमाका हुआ, बड़ी सारी गाड़ियां तबाह हुई, बिल्डिंग को क्षति पहुंची और उसी में ही ये बेचारा ये लड़का शेखरप्पा, नवीन शेखरप्पा, ये इसमें खत्म हो गया। तो इसका अभी तक शव जो है वापस हिंदुस्तान नहीं आया है, तो इन्होंने बोला कि ये शव जो है प्रायोरिटी पे इंडिया लाया जाए। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी की एक ब्रीफिंग हुई और इस ब्रीफिंग में उनको हिंदुस्तान की सिक्योरिटी की प्रिपेयर्डनेस की कितनी तैयारी है भारत की, अगर कोई गड़बड़ होती है तो, उस बारे में उनको ब्रीफ किया गया। उसके लिए ब्रीफ करने के लिए आई एम श्योर CDS का ऑफिस होगा, आपका डिफेंस सेक्रेटरी होंगे, आपके तीनों रक्षाओं के रक्षा सेनाओं के चीफ होंगे, इन सब ने उनको ब्रीफ किया। दैट इज जमीन, हवा, पानी, आपकी स्पेस, आपका न्यूक्लियर और साथ ही के साथ फाइनेंस, फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी एक अपडेट दिया गया होगा कि भारत की माली हालत किस तरीके से है, फॉरेन रिजर्व क्या है और आने वाले समय में जैसे सैंक्शंस लगे हैं तो क्या क्या कठिनाइयां पेश आने वाली हैं और उससे हमारी सिक्योरिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। इसके अलावा इस कॉन्टेक्स्ट में भी बात हुई होगी कि यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और यूक्रेन के युद्ध चलने से अब कैसे समीकरण जो है बदली हो रहे हैं, क्या पूरे विश्व का दृश्य होगा इस यूक्रेन की लड़ाई के बाद, इसके ऊपर भी विचार विमर्श हुआ होगा, मंथन हुआ होगा और एक सोच रखी गई होगी और उसके ऊपर कुछ नतीजा भी निकला होगा, जो कि जाहिर सी बात है कि हमको नहीं मालूम कि क्या हुआ होगा, लेकिन ये सब डिस्कशन वहां पर हुए होंगे। लेकिन जो सबसे अहम बात ये है, जिसकी वजह से मैं कह रहा हूं कि खतरे की घंटी बजनी चाहिए, वो ये है कि हमारे जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स चीफ्स, CDS का ऑफिस, अभी CDS नहीं है तो, लेकिन ऑफिस तो चल ही रहा है, इन सब ने एक चिंता जाहिर करी है और वो चिंता है भारत के हथियारों के इंपोर्ट के बारे में और स्पेयर पार्ट्स के बारे में। आपको बता दूं कि हम अभी भी 50-55% अपना रक्षा साजो सामान रूस से खरीदते हैं और रूस कि ये जो लड़ाई यूक्रेन में चल रही है उससे चलते कुछ समस्या आ सकती है। पहले हमको ये विश्वास नहीं होता था कि ऐसा क्यों होगा, रूस हमारा अच्छा मित्र है, हम सैंक्शंस नहीं लगा रहे रूस के ऊपर तो हमारे स्पेयर पार्ट्स क्यों आना बंद हो जाएंगे, क्या ऐसा क्या, आई मीन ये हम लोग ऐसा सोचते थे। लेकिन एक खबर आई है और ये खबर आई है अमेरिका के हवाले से, ये वहां के टॉप ऑफिशियल्स की खबर है जो कि फाइनेंशियल टाइम्स में
और वॉशिंगटन पोस्ट में छपी है। और ये खबर ये कहती है कि रूस ने चीन से हथियारों की मदद मांगी है। आप समझ सकते हैं, चीन से हथियारों की मदद रूस ने मांगी है। रूस, जैसा मैंने अभी बोला कि हमें 50-55% हथियार अभी भी वो सप्लाई कर रहा है, वो मुल्क यूक्रेन की लड़ाई के चलते गुहार लगा रहा है चाइना से कि हमको मदद दी जाए, हमको हथियार दिए जाए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप इस खबर को देखें कि सीसीएस की मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी को ब्रीफ किया गया कि इस लड़ाई के चलते हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना गंभीर मामला है। और इसके अंदर एक और पॉइंट नोट करने वाला यह है कि एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज हम लोग प्लान कर रहे थे वायु शक्ति, जिसके अंदर 148 के करीब जहाजों ने भाग लेना था। और ये पोखरण के अंदर वायु शक्ति 2022 की एक्सरसाइज होनी थी, लाइव फायरिंग होना था इसके अंदर, और ये एकदम से स्थगित कर दिया गया। ये कहा गया कि इनफैक्ट कहा कुछ नहीं गया, लेकिन बाद में सूत्रों से पता लगा कि ये इसलिए खत्म कर दी गई क्योंकि जहाज के अंदर बहुत किस्म के स्पेयर होते हैं जो टाइम बाउंड होते हैं, यानी कि एक जहाज अगर 100 घंटे चलेगा तो कुछ स्पेयर्स हैं, चाहे वो अच्छी ही हालत में क्यों ना हो, उनको 100 घंटे के उड़ान के बाद बदली कर दिया जाएगा। फिर कुछ होंगे जो 200 घंटे के बाद, 300 घंटे के बाद, 1000 घंटे के बाद, तो अलग अलग टाइम के म्याद से ये कलपुर्जे जो है बदली जाते हैं। अब ये बात अब स्पष्ट हो रही है कि ऐसा क्यों किया, क्यों ये वायु शक्ति को रद्द किया गया। और वायु शक्ति को रद्द करना कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के अंदर स्पेयर पार्ट्स को लेकर एक चिंता जाहिर करनी, और फिर ये खबर आ जाना कि रूस जो है चीन से मदद की गुहार कर रहा है, हथियारों की सप्लाई मांग रहा है, तो इससे ये समझ में आता है कि स्थिति कितनी गंभीर है और हम कितनी कठिन समस्या में फंस सकते हैं। अब फिर वही बात आ जाती है कि हमको ऐसी समस्या से निकलने के लिए क्या करना चाहिए, और वो है आत्मनिर्भर होना हमारी एक मजबूरी है। ये बहुत दुख की बात है कि इस देश को आत्मनिर्भर होने नहीं दिया गया, ये अंडरलाइन है, इस देश को हथियारों के मामले में जानबूझ के आत्मनिर्भर नहीं होने दिया गया, और उसके पीछे था बहुत भारी करप्शन। अगर हम आत्मनिर्भर हो जाते तो टेबल के नीचे से मिलने वाला पैसा कहां से आता, और उस लालच में इस देश की सिक्योरिटी के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया, और आज ये स्थिति पहुंच रही है कि अब हमें परेशानी हो रही है कि अगर रूस से सप्लाई बंद हो जाती है तो हमारी सिक्योरिटी को कैसे मीट किया जाएगा। तो ये एक बहुत गंभीर समस्या है, खतरे की घंटी मेरे ख्याल से बज चुकी है, और ये खतरे की घंटी हर एक हिंदुस्तानी को सुनाई देनी चाहिए। तो इसी बात के साथ मैं अपनी ये वीडियो को यहीं विराम देता हूं, फिर मुलाकात करते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।